राम राम जी, कैसे हैं आप सब? सर, हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि हमारे ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जीएसटी के, और जेबीएम क्लासेस जो है एक साथ 5 चैप्टर जो है आने वाले, यानी 2 चैप्टर जो है अभी आपके पेंडिंग है। कह सकते हैं कि उनके अभी क्लासेस अपलोड नहीं हुए डियर, बट कोई बात नहीं, उसको हम जल्द से जल्द अपलोड करके आप सभी लोग जो टेस्ट देना चाहते हैं या जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी क्लासेस के थ्रू ज्वाइन हैं, देखिए आप सभी लोगों से तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर टेस्ट दीजिए। बिकॉज क्या है कि सचिन तेंदुलकर भी इकट्ठा सीधा मैच में परफॉर्मेंस करने नहीं उतर जाता, उससे पहले नेट पे वो प्रैक्टिस करता है। तो टेस्ट हमारी एक प्रैक्टिस होगी जिसके अंदर मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने देखा भी है, बहुत सारे बच्चों की ऐसी मिस्टेक्स देखी है जो खुद उनको नहीं पता था कि सर ये मिस्टेक्स भी हम कर रहे हैं और इस मिस्टेक्स के भी हमारे मार्क्स कटते। देखिए, आप पेपर देते हैं, किसी वजह से नहीं क्लियर होता है, फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आंसर शीट मंगाते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी आंसर शीट नहीं मंगाते। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। अब जो आंसर शीट बेचारे नहीं मंगा रहे, तो उनको कैसे पता चले कि सर हम गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ठीक है, बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम तो घर पे प्रैक्टिस करते हैं लिख लिख के करके देखने की, हम तो खुद टेस्ट देते हैं। ठीक है दोस्त, मैं मानता हूँ आप देते होगे, बहुत अच्छी बात है, अगर आप देते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। बट बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, बट उसका आइडिया हमको नहीं लगता, क्योंकि तो देखिए हमारी आंसर शीट कोई दूसरा चेक करता है, तो वो शायद हमको लगता है कि वो ज्यादा अच्छे से हमारे गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकता है या हमारी मिस्टेक्स को बता सकता है। जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत सारी कमियां हो जाती है, रह जाती है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद तो देखता हूँ कि क्या कमियां है, बट बहुत सी बार मैं हमेशा आपसे फीडबैक्स के लिए बोलता हूँ। उसका रीजन क्या है, ताकि मुझे पता चले कि भाई देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरे को नहीं दिख रही है, हो सकता है वो आपको दिखे, वो जेन्युइन चीजें हों, आप मुझे बताएं, देन मैं उसको कंसिडर करके उसको सही करने की कोशिश करूँ। दोस्तों, 5 चैप्टर फर्स्ट ट्रैक क्लास 3 चैप्टर की अभी थोड़ी देर बाद आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? 5 चैप्टर जो है, 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 7 जनवरी को हमने डेट अनाउंस करी है, 7 जनवरी 2018 को दोस्त आपका पांचों के पांचों चैप्टर का टेस्ट होगा। देखिए, ये टेस्ट होगा जो 50 मार्क्स का होगा, बट मैंने पूरी कोशिश करूंगा कि इस टेस्ट को बिल्कुल आईसीआई, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिस तर्ज पे पेपर लेता है उसी तर्ज पे आपसे पेपर लिया जाए। मतलब टेस्ट को देने से पहले आपको पूरे 8 मिनट टेस्ट को पढ़ने के मिलेंगे। टेस्ट ना तो आपको उससे पहले मिलेगा ना उससे बाद में मिलेगा, टेस्ट ऑन द स्पॉट आपको अवेलेबल होगा। जैसे एग्जाम में आपको पेपर अवेलेबल होता है, मैं ऑन द स्पॉट आपको टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा। अब क्योंकि मुझे पता था, ये अनाउंसमेंट करते ही बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, कल मैंने ग्रुप पे मैसेज शेयर किया था, तो बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मेरे को लगा कि 5-10 मिनट का एक वीडियो बना देना चाहिए, जिससे क्या है कि सबको एक साथ आंसर मिल जाए। देखिए, इस टेस्ट में करना क्या है, इस टेस्ट में मुझे पता है बहुत संडे को ये टेस्ट होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है? अब इस टेस्ट में करना क्या डियर, इस टेस्ट में मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोलेंगे कि सर ऐसा है कि हमारे पे समय नहीं होता, आप जिस टाइम टेस्ट लेना चाहते हो उस समय हम फ्री नहीं है। तो इसलिए जो टेस्ट है, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस टेस्ट को हमने क्या किया डियर, हमने इस टेस्ट को 1 2 3 4 5, यानी दिन के 5 हिस्सों में इस टेस्ट को बांटा है। हो सकता है पांचों टेस्ट अलग अलग हो सकता है पांचों टेस्ट सेम भी हो, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है? मतलब आप 5 टाइमिंग है, आप 5 टाइमिंग में से कोई भी एक टाइम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, और इन 5ों टाइमिंग के दोस्त मेरे पास अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस टाइमिंग का स्टूडेंट इसके अंदर होगा या इसके अंदर होगा, ऐसा कुछ नहीं। 5ों टाइमिंग के अलग अलग ग्रुप होंगे, अलग अलग ग्रुप पे 5ों टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट होगा। आप बिल्कुल सीरियस होकर टेस्ट दीजिएगा, बिकॉज ऑफ दैट मैं जब कमियां निकालता हूँ तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लगता है बच्चे ने मजाक मजाक में तो टेस्ट नहीं दिया, पर बट यही चीजें क्या होता है कि अगर आप सीरियस मोड में देंगे तो मैं आपकी कमी सही डायरेक्शन में आपको बता पाऊंगा। दोस्तों, इससे ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ आपके जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स में आपके इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, इसके अंदर आपकी क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी आपके रिजल्ट में बहुत इंप्रूव करेगा, क्योंकि आपको अपनी जो जनरल मिस्टेक्स होती है, जो हम एग्जाम में लिखते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स में जनरल मिस्टेक देखता हूँ जो कि मोस्टली क्या इनडायरेक्ट टैक्स की स्पेसिफिक नहीं होती, वो अदर एग्जाम से के लिंक में भी कहीं ना कहीं रहती है। तो ये टेस्ट दोस्त 5 पार्ट में होगा, जो है सीधी सी बात है 5 ग्रुप बनेंगे, 5 ग्रुप के अंदर क्या होगा, 5 पार्ट के अंदर संडे को टेस्ट होगा। जिस जिस स्टूडेंट जो सीरियस मोड पे है कि हाँ सर मुझे टेस्ट देना है, वही पार्टिसिपेट करें। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सर नहीं मेरे हम तो और कहीं क्लास लेने हैं सर,
हम हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम और क्लास लेने के बाद फिर आपकी क्लास में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है डियर। बट आप क्या करिए, आप अपने ऑथर से, जिनसे टीचर से, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सभी टीचर अच्छे होते हैं डियर, आप उनसे उनकी बुक उठाइए, उनकी बुक उठा के देखिए कि जो स्टडी मैट में स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है उन्होंने कितने चैप्टर में कवर कर रखा है। क्योंकि कई ऑथर जो है स्टडी के 5 चैप्टर को 10 से 12 चैप्टर में कवर कर रहे हैं, तो आप उतने चैप्टर का कंटेंट अपना तैयार करिए और तैयार हो जाइए इस टेस्ट के लिए। ये टेस्ट मैं पर्सनली चेक करके आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा। और लास्ट जो सबसे ज्यादा आपके लिए कहते कहते कि खैर कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको कुछ गिफ्ट प्राइस तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, मैंने कोशिश की कि भाई बहुत बड़ा प्राइस तो नहीं रख सकते, पर ठीक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ा है, मेरी मेहनत, मेरी बुक, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हर टाइम लगा रहता हूँ आपको अच्छी से अच्छी बुक प्रोवाइड करने में। आज जो मेरा फास्ट ट्रैक समरी, थर्ड क्लास थर्ड चैप्टर का फास्ट ट्रैक समरी नोट्स आएगा, मैंने समरी नोट्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। पूरे समरी नोट्स को मैंने कोशिश किया कि कितना मैं डायग्राम फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर सकूं, कितना वो, क्यों नॉर्मली क्या होगा मेरे जो समरी नोट्स होंगे आपको 2-3 पेज के नहीं मिलेंगे डियर, क्योंकि रीजन क्या होता है, मैं हमेशा समरी नोट्स उन बच्चों को भी फोकस करके बनाता हूँ जो बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जो लास्ट टाइम हो सकता है वो समरी चैप्टर, उसी चैप्टर की वो समरी पढ़े। तो मेरी कोशिश रहती है कि पूरी तो देखो नहीं हो पाती कवरेज, पर हाँ ऑलमोस्ट कवरेज मैं उसके अंदर रखता हूँ, ठीक है डियर। तो यानी ये आपको क्लियर है। देखिए टेस्ट का मार्क्स, टेस्ट के जो मार्क्स होंगे 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 1 hour and 30 minutes का होगा, टेस्ट रीडिंग का टाइम आपको 8 मिनट का मिलेगा। हु विल गेट 80% मार्क्स, उसको प्राइस के तौर पर डियर मेरी कलर बुक मिलेगी, ठीक है। और हु विल गेट 90% मार्क्स, अगर कोई 90% मार्क्स लाया तो उसको 500 रुपीज मेरी तरफ से कैश प्लस एक कलर बुक डियर। ये मत सोचिएगा कि 80% या 90% में मार्किंग ऐसी करूंगा कि आपके नहीं आएंगे, मैं मार्किंग बिल्कुल जैसे मुझे अच्छी लगेगी मैं उसी हिसाब से करूंगा, मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए आपको शायद आइडिया भी ना हो ये प्राइस देते हो कितनी खुशी मुझे होगी, शायद आपको उससे उतनी खुशी आपको ना हो जितनी खुशी मुझे हो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि कई टेस्ट ऐसे भी मेरे सामने आंसर शीट आई कि मन ही नहीं, मतलब ऐसा लगा कि बस अब इनको कितने मार्क्स दे दो, मतलब जितने मार्क्स इनके आंसर शीट पर लुटा सकते हो लुटा दो। तो देखिएगा डियर, मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारी मिस्टेक्स क्या आप करते हैं, क्या आपसे होती है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर हो जाइए टेस्ट के लिए, और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। और ये साल सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बने, सभी लोग चार्टर्ड बने, सभी लोग अपने अपने प्रोफेशनल अपने अपने फील्ड में अपना नाम कमाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें डियर, और कहीं ना कहीं अपनी यादों में थोड़ी सी जगह इस इंसान को भी जगह दे, ठीक है दोस्त। होप ऑल द बेस्ट, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, 7 जनवरी को टेस्ट के दौरान फिर मिलते हैं। बाकी जो मेरी क्लासेस आ रही हैं वो नॉर्मल तरीके से आएंगे। थैंक यू।